हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका अलजेब्रा का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए एसएससी मैथ्स की क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं, और आपको मैंने इस सीरीज में पहले ही बता रखा है कि इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एसएससी फॉर्मेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एसएससी सीजीएल जो प्री एग्जाम है 2020 का क्वेश्चन है। देख लीजिए आप, क्वेश्चन में आपका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, और ये आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी कि 1 अपॉन x plus 1 अपॉन y is equal to 16 अपॉन 15 है, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला है, उसका कांसेप्ट हम यूज करेंगे। तो देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो a की क्यूब b की क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका, उसको हम कैसे लिखते हैं, a plus b, ठीक है, और a square plus b square minus a, यानी कि क्वेश्चन में a की जगह x है आपका और b की जगह क्या है, y है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं प्रीवियस ईयर के, उन्हें मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूं, यानी कि एक एक स्टेप आपके लिए खोल कर रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों मैथ में आपको शॉर्ट ट्रिक यानी कि आसान मेथड अलग है, ट्रेडिशनल मेथड बेसिक मेथड पता होना जरूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो आपका शॉर्ट ट्रिक पे फेल हो जाता है, तब आपको बेसिक मेथड ही यूज करना होता है। एसएससी के फॉर्मेट में जिन भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए x plus y बराबर 4 है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके तो क्या आएगा, एक्स वाई ऊपर हो जाएगा x plus y, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 16 अपॉन 15, क्योंकि ये x से डिवाइड होगा, तो यहां पे क्या बचेगा x y, y बचेगा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही y से x y डिवाइड होगा तो x होगा ऊपर चला जाएगा, तो x plus y। वो एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व करेंगे आप उसे y plus x लिखा होगा, मैंने पहले ही x plus y लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए x plus y की जगह मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है भैया, तो 4/xy 16/15, 4 × 4 = 16, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसकी करें तो xy बराबर आपका आ जाएगा 15/4। ठीक है, तो xy की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में आपसे जो आगे कह रहा है x की क्यूब प्लस y की क्यूब का मान पूछा है, तो देखिए x की क्यूब प्लस y की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस y लिख सकता हूं, और ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस में xy। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूले से आया है आपका, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में x प्लस y की वैल्यू थी, एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब देखिए लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, अब सॉल्व कैसे होगा, बड़ी परेशानी होगी, परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई ये जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं इसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और माइनस यहाँ पे 3xy लिख सकता हूं। क्यों मैंने ऐसे लिखा, जब मैं इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को ए प्लस बी की पावर 2 से मैं खोलूंगा इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, जो माइनस के 3xy में से माइनस होगा तो माइनस का xy बचेगा, यानी कि जो लाइन ऊपर लिखी थी वो रह जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अब जो तीनों एक्सप्रेशन xy, x plus y और ये फिर से x plus y, इन सब की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए x plus y की वैल्यू क्या है, 4, x plus y की क्या है 4, तो 4 देखिए यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 × xy की क्या है 15/4, तो ये आपका सॉल्व होकर होगा, मल्टीप्लाई में 4 चलेगा, 4 × 16 और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस ये आपका 15 × 45 और ये नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूं उसका तो क्या आ जाएगा, 16 × 64 में से 45 जाएंगे तो आपका बचेगा 19 और बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो इस एलजेब्रिक क्वेश्चन जो था ये आपका, इसका आंसर आ जाएगा 19। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।